यूनिफिकेशन ऑफ इटली नाइनटींथ सेंचुरी यूरोप में नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी इसके कारण कई नए देश बन रहे थे और कई पुराने किंगडम्स डिसइंटीग्रेट हो रहे थे इटली का यूनिफिकेशन भी बढ़ते हुए राष्ट्रवाद का एक उदाहरण था नाइन्टींथ सेंचुरी का इटालियन यूनिफिकेशन एक पोलिटिकल और सोशल मूवमेंट था जिसने इटालियन पेनिनसुला के कई डिफरेंट छोटे बड़े किंगडम्स को कंसोलिडेट कर एक सिंगल स्टेट की स्थापना की यूनिफिकेशन प्रोसेस को इटालियन लैंग्वेज में रिसोर्जिमेंटो तो भी कहते हैं जिसका अर्थ होता है रिसर्जेंस या पुनरुत्थान दरअसल इटालियन पेनिनसुला एक समय में एंशियंट रोमन एम्पायर का केंद्र हुआ करता था और रिसोर्जिमेंटो का मतलब एक बार फिर से इटली की इसी पुरानी ग्लोरी को रिवाइव करना था आज हम इटालियन यूनिफिकेशन की इसी दिलचस्प कहानी की चर्चा करने जा रहे हैं हम इटली के यूनिफिकेशन के पीछे के कारणों इसमें योगदान देने वाले इंपॉर्टेंट पर्सन और इसके प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे आइए शुरुआत कॉजेज को समझने से करते हैं कॉजेज ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन इटालियन पेनिनसुला के यूनिफिकेशन में बहुत से फैक्टर्स ने रोल प्ले किया था इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है इटालियन पेनिनसुला की जियोग्राफी इटालियन पेनिनसुला तीन तरफ से समंदर से घिरा हुआ है और इसके नॉर्थ में एल्प्स की ऊंची पर्वत श्रृंखला है इस तरह ये एक क्लोज्ड जियोग्राफिकल यूनिट बनाता है जिस वजह से यहाँ रहने वाले लोगों के बीच एक डिस्टिंक्ट कल्चर और आइडेंटिटी का डेवलपमेंट देखा जाता है इटालियन पेनिनसुला कई छोटे और बड़े राज्यों में विभाजित जरूर था लेकिन फिर भी कल्चर आइडेंटिटी लैंग्वेज और हिस्ट्री की समानता के कारण यूनिफिकेशन की एक अर्ज यहां हमेशा से मौजूद थी इसे और ज्यादा हवा देने का काम किया फ्रांस के नेपोलियन ने। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक कुशल सेना प्रमुख था जिसने 1799 तक इटली के कई राज्यों को फ्रेंच एम्पायर में मिला लिया था 1804 में जब नेपोलियन फ्रांस का एम्प्रर बना तो उसने कुछ इटालियन टेरिटरीज को फ्रेंच एम्पायर का पार्ट बना लिया इस तरह नेपोलियन फ्रांस और इटली दोनों का एम्प्रर बना नेपोलियन ने अपने इटालियन टेरिटरीज में गवर्नेंस इम्प्रूव करने के लिए कई कदम उठाए ट्रेड बैरियर्स को कम करके ट्रेड को प्रमोट किया गया इटालियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए नए लॉ कोड्स बनाए गए और फ्यूडल प्रिविलेजेस को ख़त्म किया गया इन रिफॉर्म्स के पीछे नेपोलियन का मकसद था कि इटली को फ्रेंच एम्पायर का मज़बूत हिस्सा बनाया जाए लेकिन अनजाने में नेपोलियन ने इटालियन नेशनलिज्म को भी बढ़ावा दिया साथ ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स ने इटली में रिपब्लिकन मूवमेंट को भी जन्म दिया इस तरह नेपोलियन के रूल ने इटली में नेशनलिज्म और रिपब्लिकनिज्म को प्रमोट किया हालांकि नेपोलियन का इटली में साम्राज्य ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया 1814 के बैटल ऑफ वाटरलू में हार के बाद नेपोलियन को फ्रांस की सत्ता छोड़नी पड़ी नेपोलियन की डिफीट के साथ उसका विशाल साम्राज्य भी खत्म हो गया नेपोलियन के द्वारा एनेक्स किए गए एरियाज का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए विक्टोरियस पावर्स ने 1815 में वियना कांग्रेस बुलाई वियना कांग्रेस में लिए गए डिसीजंस ने इटली के यूनिफिकेशन मूवमेंट को अफेक्ट किया इस कांग्रेस को ब्रिटेन ऑस्ट्रिया प्रशिया फ्रांस और रशिया के रिप्रेजेंटेटिव ने अटेंड किया था इन्हें कलेक्टिवली यूरोप की ग्रेट पावर्स भी कहा जाता था इस कांग्रेस का एक मेन ऑब्जेक्टिव यह था कि ग्रेट पावर्स के बीच बैलेंस ऑफ पावर बना रहे वियना कांग्रेस ने इटली में नेपोलियन के कब्जे से पहले जो बाउंड्रीज थी उन्हें रिस्टोर कर दिया लेकिन कांग्रेस ने इटालियन स्टेट्स को इंडिपेंडेंट नहीं रहने दिया वो डरते थे कि अगर इटालियन किंगडम्स यूनाइट हो गए तो यूरोप में एक नया पावर खड़ा हो जाएगा इसलिए इटालियन किंगडम्स को कई हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया पहला था नॉर्दर्न इटली के किंगडम्स वेनिस और लॉम्बार्डी जिन्हें ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग एम्पायर के डायरेक्ट कंट्रोल में दे दिया गया दूसरा ग्रुप था पार्मा मोडर्ना और टस्कनी जिन्हें इनडायरेक्ट ऑस्ट्रियन कंट्रोल के अंदर रखा गया तीसरा ग्रुप था नेपल्स और सिसिली जिसे फ्रांस के बर्बन एम्पायर के कंट्रोल में दे दिया गया चौथा था पैपल स्टेट्स जिसकी कैपिटल रोम थी यह डायरेक्ट पोप के अंडर हुआ करता था पोप कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस फिगर माने जाते हैं इसके अलावा एक और किंगडम था पीड सार्डिनिया जो कि इंडिपेंडेंट था इटालियन पीपल को वियना कांग्रेस से काफी उम्मीद थी लेकिन कांग्रेस ने इटली के हिस्सों को ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच डिवाइड करके उनकी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया वियना कांग्रेस के इस डिसीजन ने इटली में नेशनलिज्म की भावना को और प्रबल बना दिया इटालियन नेशनलिज्म के बेसिस की बात करें तो ये डिस्टिंक्ट इटालियन आइडेंटिटी की वजह से था इटली एक कोहिजिव जियोग्राफिकल यूनिट तो था ही साथ में इसकी रिच कल्चरल और पॉलिटिकल हिस्ट्री भी थी इसलिए इटालियंस अपने आप को एक डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल आइडेंटिटी मानते थे इतनी सिमिलैरिटी के बावजूद इटालियन पीपल कई अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड थे इटालियंस पहले फ्रांस के नेपोलियन के अंडर थे और फिर वियना कांग्रेस ने कई टेरिटरीज ऑस्ट्रिया और फ्रांस को दे दी इटालियंस समझ गए थे जब तक वो यूनाइट नहीं होंगे सिंगल इटालियन नेशन का बनना मुश्किल है अब इंटेलेक्चुअल्स राइटर्स थिंकर्स इटली को यूनाइट करने के उपाय खोजने लगे वो इटली के ग्लोरियस कल्चर और हिस्ट्री को कॉमन लोगों तक पहुंचाने लगे इटालियंस को यूनाइट करने के तरीके की अगर बात की जाए तो नेशनलिस्ट्स ने दो मेन तरीके अपनाए पहला था रेवोल्यूशनरी मेथड, दूसरा था डिप्लोमेसी इटालियन यूनिफिकेशन के तीन प्रमुख चेहरे थे मैद्जीनी गैरिबाली और काउंट कावो जहां माथ्जीनी और गैरिबाल्डी ने रेवोल्यूशनरी मेथड्स का सहारा लिया वहीं कैवाओ ने डिप्लोमेसी का सहारा लिया आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं रेवोल्यूशनरी मेथड्स ऑफ मैद्जीनी एंड गैरिबाल्डी। 1800 से 1831 के दौरान इटली में कई सीक्रेट सोसाइटीज बनती हैं जिनका मेन मकसद फॉरेन गवर्नमेंट्स को ओवरथ्रो करना और इटली में पॉलिटिकल चेंज लाना था इन सीक्रेट सोसाइटीज़ के इनफॉर्मल नेटवर्क्स को कार्बोनारी कहते थे ये 1815 के बाद से नॉर्दर्न इटली से ऑस्ट्रियंस और सदर्न इटली से फ्रेंच बर्बन डिनेस्टी को ओवरथ्रो करने में लगी थी अपने मकसद को पाने के लिए इन्होंने लोगों को विदेशी रूलर्स के खिलाफ प्रोवोक करके कई अपराइजिंग्स भी किए जिनमें सबसे पॉपुलर थे 1820, 1831 और 1848 के अपराइजिंग्स हालांकि इन अपराइजिंग्स को ब्रूटल तरीके से सप्रेस कर दिया गया इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशनरीज की बात करें तो इनमें ग्यूसैप्पे मैद्जीनी का नाम इंपॉर्टेंट है जिन्हें इटालियन यूनिफिकेशन का हार्ट भी कहा जाता है वो पहले कार्बोनारी के मेंबर थे लेकिन 1831 में उन्होंने यंग इटली नाम की अपनी रेवोल्यूशनरी सोसाइटी बनाई मैद्जीनी एक रेवोल्यूशनरी होने के साथ साथ एक अच्छे विचारक भी थे वो इटली को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन में ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे मैग्जीनी की राइटिंग्स इतनी रेवल्यूशनरी थी कि उन्हें बैन कर दिया गया था 1831 के फेल्ड रेवोल्यूशन के बाद उन्हें फ्रांस डिपोर्ट कर दिया गया लेकिन फ्रांस से भी वो निरंतर रेवोल्यूशनरी पैम्फलेट्स इटली भेजा करते थे 1848 में उन्हें सफलता मिली जब वो रोम को कैप्चर करने में सफल हुए उन्होंने रिपब्लिक ऑफ रोम की स्थापना की लेकिन नेपोलियन द थर्ड के अंदर फ्रेंच आर्मी ने वापस रोम को कैप्चर कर लिया इस बार मैथजीनी को अमेरिका डिपोर्ट कर दिया गया जहां 1872 में उनकी मृत्यु हो गई मैद्जीनी न केवल इटली बल्कि यूरोप के कई देशों में नेशनलिस्ट मूवमेंट के इंस्पिरेशन रहे इंडियन रेवोल्यूशनरीज जैसे वीर सावरकर भी मैद्जीनी और उनकी सीक्रेट सोसाइटी से इंस्पायर्ड थे महात्मा गांधी ने 1919 में यंग इटली की तर्ज पर यंग इंडिया नाम का नेशनलिस्ट जर्नल शुरू किया था मैद्ज़ीनी के बाद दूसरे फेमस इटालियन रेवोल्यूशनरी लीडर थे गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी मैद्जीनी से इंस्पायर्ड थे और 1831 में उन्होंने भी यंग इटली मूवमेंट ज्वाइन किया था गैरिबालडे की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के कारण उन्हें भी इटली से एग्जाइल कर दिया गया था जब गैरिबाल्डी साउथ अमेरिका में थे तब उन्होंने कई वॉर्स में पार्टिसिपेट किया और गोरेला वॉरफेयर एक्टिविटीज की ट्रेनिंग ली आने वाले समय में गैरिबाल्डी इटालियन यूनिफिकेशन मूवमेंट में एक अहम भूमिका निभाने वाले थे आइए अब डिप्लोमैटिक मीन्स यूज करके इटली के यूनिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले काउंट कावोर के बारे में जानते हैं डिप्लोमैटिक मेथड ऑफ काउंट का काउंट कव्वोर का असली नाम था कमीलो बेंजो। कव्वोर किंग विक्टर इमैनुअल द सेकंड के अंडर इटालियन किंगडम पीडमोंट सार्डिनिया के प्राइम मिनिस्टर थे कैवोर को अक्सर इटालियन यूनिफिकेशन के पीछे का ब्रेन कहा जाता है माना जाता है कि यूनाइटेड इटली कव्वर के लाइफ की लेगेसी है इटालियन यूनिफिकेशन के लिए कई लोगों ने काम किया लेकिन वो कावोर का विजन ही था जिसने इटालियन यूनिफिकेशन के आइडिया को रियलिटी में बदला उन्होंने रिसोर्जिमेंटो द सेकंड नाम का एक न्यूज़पेपर शुरू किया था कावोर का मानना था कि सारे इटालियन किंगडम्स को पीडमोंट सार्डिनिया की लीडरशिप में यूनाइट हो जाना चाहिए इसको अचीव करने के लिए उन्होंने दो मेन तरीके अपनाए पहला था इंटरनल डिवेलपमेंट और दूसरा था स्किलफुल डिप्लोमेसी कव्वोर का बिलीफ था कि सार्डीनिया को इटालियन किंगडम्स का आदर्श बनकर उभरना चाहिए जिससे कि बाकी इटालियन किंगडम्स सार्डीनिया के साथ यूनाइट होना चाहें इसके लिए सार्डीनिया का इंटरनल डेवलपमेंट जरूरी था इसी सोच के साथ उन्होंने सार्डनिया की इकॉनमी को मॉडर्नाइज करना शुरू किया और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया वैसे तो सार्डीनिया मौनकी थी लेकिन उन्होंने सभी सिटीजन्स को फुल सिविल राइट्स और प्रेस फ्रीडम दी लेकिन कावोर यह भी अच्छी तरह समझते थे कि बिना ग्रेट पावर्स की हेल्प के इटली को यूनाइट करना पॉसिबल नहीं होगा इसलिए उन्होंने डिप्लोमैटिक स्किल्स का यूज किया और धीरे धीरे इटली के डिफरेंट पार्ट्स को पीडमोंट सार्डीनिया में मिलाते गए 1853 से 1856 के क्राइमियन वॉर ने कावोर को पहली बार अपनी डिप्लोमैटिक स्किल यूज करने का मौका दिया क्राइमियन वॉर एक तरफ रशियन एम्पायर और दूसरी तरफ ऑटोमन एम्पायर फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा लड़ा जा रहा था हालांकि इस वॉर से पीडबॉन्ट सार्डिनिया का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था फिर भी कावोर ने किंग विक्टर इमैन्युअल को कन्विंस कर रशिया के अगेंस्ट अपने सैनिक भेजे वॉर में रशिया की हार के बाद पेरिस में पीस कॉन्फ्रेंस रखी गई वॉर में सार्डिनिया की मदद को देखते हुए सार्डिनिया से भी रिप्रेजेंटेटिव को पीस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया सार्डीनिया की तरफ से काउंट कावोर ने कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया यहां कावोर ने नॉर्दर्न इटालियन किंगडम्स में ऑस्ट्रिया के ऑपरेशन के मामले को उठाया और ब्रिटेन और फ्रांस से सिम्पथी लेने में सफल हुए फ्रांस के नेपोलियन द थर्ड एक कदम आगे बढ़ते हुए ऑस्ट्रिया के खिलाफ सार्डीनिया को सपोर्ट करने के लिए अग्री हो गए फ्रांस के साथ अलायंस को सील करने के लिए कावोर ने नेपोलियन द थर्ड का विवाह सार्डीनिया की एक राजकुमारी से करवाया कव्वोर ने सार्डीनिया और फ़्रांस के बॉर्डर पर लोकेटेड दो सिटीज़ नीस और सेवॉय को भी फ़्रांस के हवाले कर दिया फ़्रांस के साथ समझौता कव्वोर की एक सोची समझी टैक्टिक थी उन्हें पता था बिना फ़्रेंच सपोर्ट के नॉर्दर्न इटालियन किंगडम्स को ऑस्ट्रिया से आज़ाद कर पाना संभव नहीं था नीस और सेवॉय लार्जर इटालियन यूनिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए सेक्रीफाइस किए गए थे आइए अब इटालियन यूनिफिकेशन के तीन इंपॉर्टेंट फेजेस को देखते हैं फेज वन 1858 टू 59। इस फेज में नॉर्दर्न इटालियन किंगडम्स लोम्बार्डी और वेनिस के लोगों को कावोर ने उनके ऑस्ट्रियन रूलर्स के खिलाफ प्रोवोक किया ऑस्ट्रिया ने कावोर को वॉर्न किया और सार्डिनिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी फ्रांस की हेल्प से सार्डिनिया ने लोम्बार्डी को आजाद करा लिया लेकिन वो वेनेस को आजाद नहीं करा पाए फेज वन के बाद लोम्बाडी को सार्डिनिया के किंगडम में मिला लिया गया आइए अब फेज टू देखते हैं जो कि 1860 में हुआ फेज टू 1860। ऑस्ट्रियन रूल से लोम्बार्डी के लिबरेशन के बाद पार्मा मोडेना टस्कनी जैसे नॉर्दर्न इटालियन किंगडम्स में भी पपेट ऑस्ट्रियन रूलर्स के खिलाफ आवाज उठने लगी ऑस्ट्रिया लिबरेशन मूवमेंट को आर्मी भेजकर सप्रेस करना चाहता था लेकिन कावोर के कहने पर ब्रिटेन और फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को आर्मी न भेजने के लिए राजी कर लिया फ़ैसला लिया गया कि इन किंगडम्स में प्लेबिसाइट होगा जनता डिसाइड करेगी कि वो ऑस्ट्रियन रूल के अंदर रहना चाहती है या पीड मॉन्ट सार्डीनिया से मिलना चाहती है लोगों ने सार्डीनिया को ज्वाइन करने के पक्ष में वोट डाला इस तरह पार्मा मोडेना टस्कनी और पैपल स्टेट्स ऑफ रोम के कुछ पार्ट्स पीडमाट सार्डिनिया में ज्वाइन हो गए अब नॉर्दर्न इटली में वेनिस और रोम को छोड़कर सारा पार्ट पीडमाट में इंटीग्रेट हो गया था सदर्न इटली के नेपल्स और सिसिली में भी फॉरेन रूलर्स के खिलाफ अपराइजिंग्स चल रही थीं नेपल्स और सिसिली में बर्बन डायनेस्टी का रूल था जिसे इनडायरेक्टली फ्रांस के नेपोलियन द थर्ड का संरक्षण प्राप्त था क्योंकि नेपल्स और सिसिली पर डायरेक्ट अटैक करने से सार्डिनिया को फ्रेंच आर्मी का सामना करना पड़ जाता इसलिए कावोर ने दूसरी योजना अपनाई प्लान था नेपल्स और सिसिली में चल रहे अपराइजिंग्स को बाहरी सपोर्ट देकर उसे आजाद करा लिया जाए इस काम के लिए कावोर ने गिबाल्डी को चुना जो कि 1854 में साउथ अमेरिका से सार्डिनिया वापस आ गए थे गैरिबालडी अपने एक हज़ार साथियों के साथ एक शिप पर सार्डीनिया से सिसली के लिए रवाना हुए लोकल रेवोल्यूशनरीज को साथ लेते हुए और गोरेला टेक्निक्स का इस्तेमाल करके गारीबाल्डी सितंबर 1860 तक सिसली और नेपल्स को लिबरेट कराने में सफल होते हैं लेकिन गारीबाल्डी मादजीनी के विचारों से इंस्पायर्ड थे और नेपल्स और सिसली को रिपब्लिक बनाना चाहते थे इसलिए उन्होंने सदन इटली को नॉर्दन इटली में मिलाने से इनकार कर दिया नेपोलियन द थर्ड जब तक पूरा मामला समझ पाते कावोर ने फिर नई चाल चल दी उन्होंने नेपोलियन द थर्ड को आश्वासन दिया कि वो सिसली और नेपल्स से विद्रोहियों को बाहर कर देंगे इसके लिए उन्हें नेपल्स और सिसली पे अटैक करने की परमिशन दे दी जाए नेपोलियन ने परमिशन दे दी और फिर कैवोर अपनी आर्मी के साथ सिसिली पहुंचे सिसिली पहुंचकर कैवोर ने गैरिबाल्डी के साथ समझौता कर लिया और गैरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स को पीडमोंट सार्डिनिया में मिलाने के लिए सहमत हो गए इस तरह सेकेंड फेज के इंटीग्रेशन के बाद इटालियन किंगडम से बाहर अब केवल वेनिस और रोम बचा था जो कि यूनिफिकेशन के थर्ड फेज में इंटीग्रेट होता है आइए देखते हैं कैसे फेज थर्ड 1866-1876 कैवोर की मृत्यु 1861 में महज 50 साल की एज में हो गई थी इसके बाद इटालियन यूनिफिकेशन को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी किंग विक्टर इमैन्युअल के कंधे पर आ गई कैवोर के सानिध्य में अब किंग विक्टर भी डिप्लोमैटिक स्किल्स सीख चुके थे जैसे ही उन्हें पता चला कि ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच वॉर होने वाला है उन्होंने प्रशा के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया समझौते के अनुसार सार्डिनिया की आर्मी प्रशा को सपोर्ट करेगी उसके बदले प्रशा वेनिस को सार्डिनिया के हवाले कर देगा 1866 में प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच ऑस्ट्रो ऑस्ट्रोप्रेशियन वॉर हुआ जिसमें प्रशा ने ऑस्ट्रिया को बुरी तरीके से हरा दिया समझौते के अनुसार सार्डिनिया ने प्रशिया की मदद की और बदले में उसे वेनिस मिल गया अब पीड मॉन्ट में इंटीग्रेशन से केवल रोम बचा हुआ था रोम पोप की अथॉरिटी के अंडर आता था फ्रांस जो खुद कैथोलिक देश था पैपल अथॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रेंच आर्मी की एक परमानेंट टुकड़ी रोम में स्टेशन करके रखता था ऐसे में रोम पे डायरेक्ट अटैक करना फ्रांस से दुश्मनी लेना होता लेकिन जल्दी ही विक्टर इमैन्युअल को रोम पर कब्जा करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई 1871 में फ्रांस और प्रशा के बीच ब्रूटल फ्रैंको प्रशन वॉर लड़ा गया जिसमें प्रशन आर्मी ने फ्रांस को शिकस्त दी इसके चलते नेपोलियन द थर्ड को रोम में स्टेशन फ्रेंच आर्मी को फ्रांस वापस बुलाना पड़ा मौके का फायदा उठाकर किंग विक्टर इमैनुअल ने रोम पर कब्जा कर लिया पोप और कैथोलिक क्रिश्चियंस के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करते हुए रोम से एक स्मॉल एरिया निकाला गया जिसे वैटिकन सिटी का नाम दिया गया वैटिकन को डायरेक्ट पोप की अथॉरिटी में रखा गया आज भी वैटिकन सिटी इटालियन प्रोविंस रोम के अंदर एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह एग्जिस्ट करती है इस तरह 1871 में रोम के कैप्चर ने इटालियन यूनिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया विक्टर इमैन्युअल यूनाइटेड इटालियन किंगडम के एम्प्रायर बने और रोम यूनाइटेड इटली की कैपिटल बना कंक्लूजन दोस्तों इस तरह नेशनलिज्म की स्पिरिट के साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल से इंस्पायर होकर और मैदजीनी कावोर और गारिबाल्डी जैसे लीडर्स की लीडरशिप में इटालियन पीपल ने यूनाइटेड इटालियन नेशन की स्थापना की